फाइनली दोस्तों Xiaomi 11 i सीरीज की इंडियन ऑफिशियल इंडियन लॉन्च डेट जो है वो निकल कर आ चुकी है। 6 जनवरी को दोस्तों ये जो सीरीज है Xiaomi 11 i और Xiaomi 11 i Hypercharge, ये दोनों ही फोन दोस्तों इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं फ्लिपकार्ट पर। इसके जो पेजेस है वो भी वहाँ पर लिस्ट हो चुके हैं, तो ऑफिशियली अब कंफर्म हो चुका है। और काफ़ी सारे लोगों को दोस्तों ये भी डाउट था कि जो चाइना में Redmi Note 11 सीरीज़ आई है वही इंडिया में Xiaomi 11 i के नाम से आने वाली है, लेकिन क्या जो वो चाइना वाला डिज़ाइन है वही इंडिया में आएगा या फिर नहीं, तो उसका भी प्रूफ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में लाया हूँ। और अच्छी बात यह है कि वही डिज़ाइन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आगे भी हम लोग काफ़ी सारी डिस्कस करने वाले हैं Xiaomi 11 i सीरीज़ के बारे में, तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो डिज़ाइन दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जैक्टली सेम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको चाइना में Redmi Note 11 सीरीज़ में देखने को मिला था, वो बॉक्सी डिज़ाइन। इसका जो प्रूफ है वो दोस्तों जो ये जो Xiaomi 11 i सीरीज़ है फ्लिपकार्ट पर इसका जो पेज वहाँ पर शो हो रहा है उसमें वैसे तो इमेजेस जो है वो ब्लर की रखी है, लेकिन अगर उस ब्लर इमेजेस को आप लोग ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर जो पीछे की साइड में फ़ोन की जो इमेजेस दिखाई दे रही है वहाँ पर क्लियरली दोस्तों दिखाई दे रहा है कि जो डिज़ाइन है वो आपको बॉक्सी डिज़ाइन और सेम वही डिज़ाइन देखने को मिली है। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि सेम वही डिज़ाइन दोस्तों इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है, उसी डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्विकली मैं आपको एक बार फिर से इन दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो दोनों फ़ोन में दोस्तों आपको फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, साइड माउंट फिंगरप्रिंट है। इसके अलावा परफॉर्मेंस के लिए दोनों फ़ोन में आपको MediaTek Dimensity 920 वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और बैटरी की बात करूँ तो Xiaomi 11 i में आपको 5000 mAh बैटरी और 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, और Xiaomi 11 i Hypercharge में आपको 4500 mAh बैटरी और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और दोनों में जो कैमरा है वो एग्जैक्टली सेम है, 108+8+2 मेगापिक्सल, और फ्रंट साइड में सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। और इसके अलावा दोनों फ़ोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह सब कुछ फीचर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर सिर्फ बैटरी और फास्ट चार्जिंग के मामले में ही दोनों में यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये किस प्राइस पर इंडिया में लॉन्च होंगे, तो ये तो हमें दोस्तों 6 जनवरी को ही पता चलेगा। लेकिन अगर एक एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो जो Xiaomi 11 i है वो हमें 21,000 से 22,000 तक देखने को मिल सकता है, और जो Hypercharge फ़ोन है 120 वॉट वाला उसकी प्राइस हमें 25,000 से 26,000 देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों ऑफिशियली हमें तभी पता चलेगा जब ये फ़ोन लॉन्च होंगे। तो आपका क्या कहना है इस फ़ोन के प्राइस के बारे में, और क्या आप लोग इस सीरीज़ के लिए एक्साइटेड है, आप लोग वेट कर रहे हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। खैर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर नए थे तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर से जाना। मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।